नमस्कार दोस्तों, 10 जुलाई 2019 के डेली एमसीक्यू में आपका स्वागत है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट वन है कि भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस वर्ष गर्म हवा वाले मौसम यानी हीट वेव की भविष्यवाणी करने के लिए एक विशेष प्रणाली का उपयोग किया है। स्टेटमेंट दूसरा है कि यह सिस्टम 70% सटीकता के साथ हीट वेव की भविष्यवाणी कर सकता है। आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें आपको सत्य कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन पहला है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आपका उत्तर होता है एक और दो, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं। हम देखते हैं इसकी व्याख्या को। पुणे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा 2 से 3 सप्ताह पहले विकसित प्रणाली के द्वारा गर्म हवा वाले मौसम के वास्तविक समय की भविष्यवाणी अब संभव है, और शोधकर्ताओं के द्वारा यह दावा किया गया है कि अब तरंगों की भविष्यवाणी वास्तविक समय से 2 या 3 सप्ताह पहले की जा सकती है, जो कि इनके द्वारा जो सटीकता का परसेंटेज है वो 70% होगा। इसलिए आपके कथन, आपके दोनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है ब्लू स्काई विजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्लू स्काई विजन के लिए जो पहला स्टेटमेंट है वो यह कह रहा है कि इसकी रूपरेखा आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा तैयार की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके अनुसार 2020 में सकल घरेलू उत्पाद 9% रहने पर विशेष जोर दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको देखना है। आपका विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। जो स्टेटमेंट आपका आंसर है वो केवल एक यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। वित्त मंत्री ने बजट दिवस के एक दिन पूर्व संसद में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019 पेश किया है, जिसको मुख्य रूप से मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया गया था। जो किसी भी देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उस अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है और उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनकी एक रूपरेखा तैयार करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी जो सुब्रमण्यम जी ने कहा कि इस वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भारत के लिए एक उपयुक्त आर्थिक मॉडल पेश करेगा और उसके लिए एक विचार मंथन प्रस्तुत करेगा। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि 2020 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जो GDP है वो 7% रहने की उम्मीद है। तो इसलिए आपका जो स्टेटमेंट दो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 9% की बात की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि बलूच लिबरेशन आर्मी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि बलूच लिबरेशन आर्मी एक सशस्त्र अलगाववादी समूह है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के जातीय बलूच इलाके में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाता है। स्टेटमेंट टू है कि इसका मुख्यालय कराची में स्थित है। स्टेटमेंट थ्री है कि अमेरिका ने 2 जुलाई को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि VLA को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका चुनाव करना है। आपका विकल्प पहला है कि एक और दो सही है, दूसरा दो और तीन, तीसरा एक और तीन, और चौथा आपका उपरोक्त सभी कथन। तो आपका जो आंसर होता है वह एक और तीन, यानी आपका जो स्टेटमेंट पहला है और तीसरा ये सत्य है। जो मुख्यालय की बात कही गई है ये यहाँ पे गलत की गई है। क्यों कही गई है इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो कह रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी एक सशस्त्र अलगाववादी समूह है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के जातीय बलूच इलाके में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाता है। अमेरिका ने 2 जुलाई को बलूच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। इसका मुख्यालय कंधार अफगानिस्तान में है। इसके सक्रिय क्षेत्रों में बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। बलूच आंदोलन के सशस्त्र वीवी ने पाकिस्तान में कई हिंसक हमले किए हैं। साथ ही साथ बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में इसके लगभग 6,000 कैडर फैले हुए हैं। तो इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट एक और तीन सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा होगी, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अभी प्रिडिक्शन आया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि योजना के अनुसार अंतरिक्ष विभाग यानी कि इसरो और NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड छोटे रॉकेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस एवं उद्योगों के लिए सब लाइसेंस प्राप्त करेंगे, ये स्टेटमेंट दूसरा है। और इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिक्ष विभाग हेतु बजट का जो अनुमान है वो 13,026,00,000 करोड़ रुपए है। इसके बारे में इस तरह से तीन स्टेटमेंट हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं इसकी जांच करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है कि वो ऑप्शन है कि एक और दो सही हैं, दो और तीन सही हैं, एक और तीन सही हैं या उपरोक्त सभी। तो आपका जो आंसर है वो एक और दो यानी पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक नई वाणिज्यिक शाखा होगी। केंद्रीय बजट 2019 के दौरान भारत के वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की और कहा कि NSIL इसरो को लॉन्च वाहनों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण जैसे अपने अंतरिक्ष उत्पादों की व्यवसायीकरण में सहायता प्रदान करेगा। वित्त वर्ष 2018-19 में इसमें 11,200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, जबकि इस वर्ष 12,473 करोड़ रुपए का इसमें अनुमान है, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है वो पहला सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पहल योजना से संबंधित है। तो पहल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि पहल योजना 1 जून 2013 को शुरू की गई और इसके अंतर्गत 291 जिलों को कवर किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट इसका है कि LPG सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता के पास अनिवार्य रूप से आधार संख्या होना आवश्यक है। स्टेटमेंट 2 एकदम सीधा सरल है, ये सत्य भी है। अब देख लेते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर है पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कथन की। तो पहल योजना जो कि 1 जून 2013 को प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत 291 जिलों को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, उसके बाद में इसका लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता के पास में यानी कि जो सब्सिडी होती है उसका लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता के पास में अनिवार्य रूप से आधार संख्या होना आवश्यक है। और सरकार ने इस योजना की व्यापक समीक्षा की है और उपभोक्ता के सामने आने वाली कठिनाइयों की जांच करने के बाद योजना को पुनः प्रारंभ किया है और नए रूप में इसको लॉन्च किया है। प्रथम चरण में इसमें 15 नवंबर 2014 को 54 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था और 1 जनवरी 2015 को देश के बाकी हिस्सों में भी इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो ये था अगला क्वेश्चन है। कि हाल ही में जारी की गई भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा रिपोर्ट 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यूनेस्को के अनुसार आज भी भारत में 75% दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में 78,64,636 बच्चे दिव्यांग हैं, जो कुल बाल जनसंख्या का 1.7% है। अगर स्टेटमेंट 2 के बारे में देखें तो UPSC में इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों को प्रकाशित करती है। तो ये आपके तीन स्टेटमेंट हैं। आपके सामने जो आपके विकल्प हैं वो पहला विकल्प है कि एक और दो सही हैं, दूसरा दो और तीन, तीसरा स्टेटमेंट एक और तीन सही हैं और नेक्स्ट उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आपका आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। यूनेस्को के अनुसार भारत में आज भी 75% दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, यह स्टेटमेंट आपका सही है।
और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों की एक बड़ी संख्या नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के में इनको नामांकित किया गया है। 2019 के शिक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना में भारत में कुल 78,64,636 बच्चे जो कि दिव्यांग थे, और जो कुल जनसंख्या का 1.7% है। रिपोर्ट में दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न सात जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संबंध में है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यहाँ पर कथन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि न्यायालय में 21 न्यायाधीश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए उनके पद के लिए उनका चुनाव किया जाता है, और इनकी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बताती है और उसकी आधिकारिक भाषा के बारे में कह रही है। स्टेटमेंट दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है और यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम करना इसने प्रारंभ किया था। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको चुनाव करना है। आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आपका उत्तर है केवल दो, यानी स्टेटमेंट टू आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख न्यायिक अंग है और इसकी स्थापना 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा किया गया था और अप्रैल 1946 में इसने अपना काम करना प्रारंभ किया। न्यायालय की सीट संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि पहला स्टेटमेंट में कहा गया था 22, वो गलत है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है और इनकी जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट है कि मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एकल महिला तीर्थयात्रियों पर यात्रा करने के लिए प्रतिबंध को हटा दिया है और उन्हें हज के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस साल 2332 अकेली महिलाएं हज के लिए यात्रा कर रही हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बताते हुए औसाफ सईद ने कहा कि तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा इतिहास ऑनलाइन ई मसीहा भारतीय हजियों के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान प्रणाली में संग्रहित किया जा रहा है। यह आपका तीसरा स्टेटमेंट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में विचार करना है। तो जो आपका आंसर है वो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भारत मतलब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भारत हज मिशन में सऊदी अरब में डिजिटल इंडिया की भारत सरकार की जो पहल है उसके हिस्से के रूप में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाया गया है और भारतीय हज सूचना प्रणाली वाणिज्यिक दूतावास द्वारा विकसित की गई है इसको, जो हजियों की प्रतिक्रिया और शिकायत प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। वर्तमान में यह अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में काम करेगी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी बाद में इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ 19 औषधालयों के अलावा इमरजेंसी अस्पताल की स्थिति को भी सुधारा गया है जिससे कि तीर्थयात्रियों के लिए इलाज मुहैया करवाया जा सके। साथ ही साथ मक्का और मदीना में 90 बेड वाले 4 अस्पतालों की स्थापना की गई है जो 2332 महिलाओं की जो हज की यात्रा कर रही हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या नौ में जयपुर को यूनेस्को की हेरिटेज टैग जो स्थान दिया गया है उसके संबंध में है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने जयपुर को विश्व धरोहर समिति के सामने दक्षिण एशिया में स्वदेशी शहर योजना और निर्माण में असाधारण शहरी उदाहरण के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा है। भारत के नामांकन का समर्थन करने वाले देशों में क्रमशः ब्राज़ील,
बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, अजरबैजान, कुवैत, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, चीन, ग्वाटेमाला, युगांडा, ट्यूनिशिया, बुर्किना फासो, बोस्निया हर्जेगोविना, अंगोला, सेंट क्विंट्स और नेविस शामिल हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर सूची में अब तक 190 देशों के 10,092 साइटों को विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आपको चुनाव करना है। आपका उत्तर है एक और दो, यानी पहला कथन और दूसरा कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिंक सिटी गुजरात को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग दिया गया है। लोकप्रिय रूप से पिंक सिटी के रूप में इसको जाना जाता है और यह अपनी जीवंत संस्कृति और इतिहास के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने जयपुर को विश्व धरोहर समिति के सामने दक्षिण एशिया में स्वदेशी शहर योजना और निर्माण में असाधारण शहरी उदाहरण के रूप में इसको नामित किया है और इसको प्रस्तावित किया है। विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर सूची में अब तक 167 देशों के 1,092 साइटों को विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जल जीवन मिशन 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल यानी पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिलों में 1592 ब्लॉकों की पहचान की गई है जो संकटपूर्ण अवस्था में हैं। तो जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, एक और दो दोनों ऑप्शन सी है, और डी में ना तो एक और ना ही दो है। तो जो आपका उत्तर है एक और दो, दोनों कथन सत्य हैं। जल संसाधन मंत्रालय यानी नदी विकास और गंगा कायाकल्प या एवं पेयजल स्वास्थ्य मंत्रालय को एकीकृत करते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नया मंत्रालय हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत और समग्र तरीके से देखेगा और जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत यह मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिलों से सरकार ने 592 ब्लॉकों की पहचान की है जो कि जल के लिए संकटपूर्ण अवस्था में स्थित हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार से की जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही साथ में जो आपका सिलेबस है उसको कितने माइक्रो लेवल पे तोड़ा जा सकता है, इसके लिए हमारी वेबसाइट www.youthdestination.in पर हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रेटजी पब्लिश की है जो कि मेंस टैब के नीचे दी गई है। तो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और किस पेपर को कैसे तैयार करें, किन रिसोर्सेज का प्रयोग करें, वो सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करके आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।